ईयर 2024 चढ़ चुका है और ईयर के चढ़ते ही टाटा ने एक बहुत ज़बरदस्त धमाल कर दिया है और वो धमाल ये है कि नई इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ एक नया इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया, एक नया आर्किटेक्चर के साथ गाड़ी लेके आए हैं और वो गाड़ी है पंच ईवी। पंच ईवी जो है वो एक नए आर्किटेक्चर के साथ आ रही है और वो आर्किटेक्चर का नाम है ACTI.EV। अब इसमें क्या क्या इसमें फीचर्स होने वाले हैं, कौन से वेरिएंट्स होने वाले हैं, पंच ईवी की प्राइस क्या रहने वाली है, इसका कंपटीशन किसके साथ होगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पंच ईवी के नए आने वाले आर्किटेक्चर के बारे में, उसके कौन कौन से वेरियंट्स रहेंगे, कौन कौन से कलर्स में वो अवेलेबल रहेगी, सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होंगे, फीचर्स क्या क्या आपको मिलने वाले हैं सारे वेरियंट्स में, प्राइस क्या रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा और आप कब से बुकिंग कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसकी रेंज क्या रहेगी, बैटरी कैपेसिटी आपको क्या मिलने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये आर्किटेक्चर जो है वो जनरेशन 2 आर्किटेक्चर है टाटा मोटर्स का। जो पहले की गाड़ियां आती थी टाटा मोटर्स की, चाहे वो आप नेक्सॉन ईवी की बात कर ले, टियागो की बात कर ले, टिगोर की बात कर ले, वो सारी जनरेशन 1 आर्किटेक्चर पे थी। ये वाली गाड़ी पंच ईवी जो सबसे पहले इस आर्किटेक्चर पे आने वाली है वो आएगी जनरेशन 2 आर्किटेक्चर, जिसे टाटा मोटर्स कैरी है ACTI.EV के नाम से। अब इसकी फुल फॉर्म है एडवांस कनेक्टेड टेक इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्किटेक्चर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन शॉर्ट फॉर्म इसकी है ACTI.EV। अब इसमें कंपनी का दावा है कि अगले 18 महीने के अंदर 5 ईवी व्हीकल्स वो श्योर शॉट मार्केट में उतारने वाली है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्लेम है। 18 महीने में 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले जो इस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड जो कार आएगी वो आएगी पंच ईवी, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। उसके बाद इसी साल हैरियर ईवी, कर्व, सियरा भी आ सकती है, सफारी भी आ सकती है। दूसरी चीज, इसे बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर भी हम कह सकते हैं। बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि इसमें बूट स्पेस ज्यादा होता है, उसमें कैबिन स्पेस ज्यादा रहता है, उसमें लेग स्पेस, लेग रूम ज्यादा रहता है, बिकॉज किसी भी तरीके का ट्रांसमिशन टनल उसमें नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार्स जो होती है ऑटोमेटिक कार्स होती है, तो ट्रांसमिशन टनल की कोई जरूरत नहीं होती है। इस आर्किटेक्चर में बेसिकली आपको 4 लेयर्स मिलती है। सबसे पहली लेयर जो है वो है पावर ट्रेन से मेरा मतलब है मोटर और बैटरी। अब मोटर और बैटरी जो है इसमें आपको बेटर मोटर की पावर और बेटर बैटरी सेल्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें ज्यादा रेंज भी आपकी निकल करके आएगी। अब इस पावर ट्रेन में एक जो चीज सबसे खास चीज बताई जा रही है कि ये किसी भी पावर ट्रेन में रह सकती है। इस आर्किटेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे ऑल व्हील ड्राइव भी बनाया जा सकता है, फ्रंट व्हील ड्राइव भी बनाया जा सकता है और रियर व्हील ड्राइव भी बनाया जा सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट। क्योंकि अब डिपेंड करेगा कि आप कौन सी गाड़ी जो है वो बना रहे हैं, इस आर्किटेक्चर को उस गाड़ी में तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, चाहे वो एक सेडान रहेगी, चाहे वो हैचबैक होगी, चाहे वो एसयूवी होगी, किसी भी मॉडल में वो आर्किटेक्चर को इजीली फिट कर दिया जाएगा। अब सेकंड लेयर आती है चेसिस आर्किटेक्चर, जो बेसिकली चेसिस आर्किटेक्चर से मेरा मतलब ये है कि अब गाड़ी कोई भी रहे, चाहे वो एसयूवी की चेसी रहे, चाहे वो हैचबैक की रहे, चाहे वो कॉम्पैक्ट एसयूवी की रहे, सेडान की रहे, किसी भी तरीके की चेसी जो है इस आर्किटेक्चर के ऊपर फिट की जाएगी। जो पावर ट्रेन जो पहली लेयर है उसके ऊपर चेसी जो सेकंड लेयर है उसको इजीली फिट किया जाएगा, और ये किसी स्पेसिफिक चेसी के लिए नहीं, इनफैक्ट सारी चेसी जो है वो उनके ऊपर फिट रहेगा, यानी कि इससे किसी भी तरीके की गाड़ी जो है इसके ऊपर बनाई जा सकती है। तीसरा है इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर, से मेरा मतलब है जितनी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वगैरह जो रहेंगे वो थर्ड लेयर पे रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वालकॉम पावर्ड स्नैपड्रैगन डिजिटल चेसी इसमें आएगा, जो यानी कि अब आपकी गाड़ी भी स्नैपड्रैगन पावर्ड प्रोसेसर से लैस होगी और आपकी गाड़ी में पूरी जो पावर है वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के थ्रू मिलेगी, यानी कि किसी भी तरीके की कोई कंपटीशन रहेगी या कुछ भी जो उसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी काम रहेगा वो सारा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर ही मैनेज करेगा। फोर्थ है क्लाउड आर्किटेक्चर। क्लाउड आर्किटेक्चर से आप समझ सकते हैं कि हम एप्स की बात करेंगे, हम डेटा की बात करेंगे, मोटी अपडेट्स की बात करेंगे, वो फोर्थ लेयर रहेगा। उसमें ACTI.EV जो है, जो हमने नेक्सॉन ईवी में भी देखा था, और जितनी भी एप्स रहेंगी, डेटा जो है सिंक्रोनाइजेशन का काम रहेगा, OTA अपडेट्स का काम रहेगा, वो सारा इसी लेयर में रहेगा, यानी कि क्लाउड आर्किटेक्चर में। ये क्लाउड आर्किटेक्चर आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ मिलने वाला है। अब इसकी डिजाइन की बात करते हैं। ओवरऑल पंच की अगर हम डिजाइन की बात करें तो ये पंच पेट्रोल से थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। चार्जिंग सॉकेट जो है वो आपको फ्रंट में मिलेगा, बिलो दी टाटा जो लोगो है उसके नीचे मिलेगा। इसकी पुरानी गाड़ियां जो है, जो कि हम बात करें टियागो या नेक्सॉन या टिगोर की बात करें, जो आपको पेट्रोल वाले सॉकेट में ही आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता था, वो उस तरह से नहीं मिलेगा, बिकॉज आर्किटेक्चर डिफरेंट है, पूरी तरह से बॉर्न ईवी आर्किटेक्चर है। तो आपको ये जो गाड़ी का सॉकेट है वो फ्रंट में मिलने वाला है।
दूसरी चीज़ जो लाइट्स हैं उसकी बिल्कुल उसी तरह की है जैसे कि हमने नई नेक्सॉन ईवी में देखा था, थोड़ी छोटी कर दी गई हैं और पहले से ज़्यादा जो है वो बीस्ट लुक निकल के इसकी आ रही है। गाड़ी काफ़ी कॉम्पैक्ट है और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है एज पर दी फोटोग्राफ जो भी अभी तक हम लोगों के पास लीक्स आए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली गाड़ी दिखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये गाड़ी बुक करना चाहते हैं तो आप टाटा की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो साइट है ev.tatamotors.com वहाँ पर जाकर आप इसको बुक कर सकते हैं और आपको अमाउंट अभी जो देना है वो 21,000 रुपीज़ का अमाउंट देना है और उसके साथ आप इसको गाड़ी को अभी करंटली जाके बुक कर सकते हैं। बुकिंग तो ओपन हो गई है पंचिंग। एक चीज़ और इसमें एडास लेवल 2 का जो है कंपेटेबल बनाया गया है इस पूरे आर्किटेक्चर को और आने वाले टाइम में L2+ को भी L2+ इसमें एक्सपेंडेबल बनाया जा सकता है यानी कि एक्सपेंडेबल है अप टू L2+ तक। वेरियंट्स की बात करते हैं, इसमें आपको 5 वेरियंट्स मिलने वाले हैं। 5 वेरियंट्स आपको इसमें रहेंगे स्मार्ट, स्मार्ट प्लस, एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस। रेंज की अगर हम बात करें तो इसमें अगेन उसी तरह से 2 रेंज आपको मिलेंगे जैसे आपको नेक्सॉन ईवी या टियागो इनमें मिलती आई है, लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज। अब लॉन्ग रेंज में आपके जो वेरियंट्स है वो एडवेंचर से स्टार्ट होगी यानी कि एडवेंचर, एम्पावर्ड और एम्पावर्ड प्लस, जबकि मीडियम रेंज में आपको स्मार्ट और स्मार्ट प्लस वेरियंट्स भी मिलेंगे। लॉन्ग रेंज में आपके पास 2 चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल होंगे 3.3 kW एंड 7.2 kW, जबकि मीडियम रेंज में आपके पास सिर्फ 3.3 kW की चार्जिंग ऑप्शन जो है वो अवेलेबल रहेगी। सनरूफ आपको दोनों में मिल जाएगा। फीचर्स वाइज अगर हम बात करें तो फीचर्स वाइज में स्मार्ट जो सबसे बेसिक वेरियंट है उसमें आपको LED हेडलैम्प्स मिलेंगे, डिजिटल DRLs मिलेंगे, मल्टी मोड रीजन मिलेगा, ESP और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलेंगे यानी कि बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग मिलने शुरू हो जाएंगे। अब आ जाते हैं एडवेंचर वेरिएंट पे। एडवेंचर वेरिएंट में आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा यानी कि क्रूज कंट्रोल जो है वो एडवेंचर वेरिएंट से ही मिलना शुरू होगा, स्मार्ट और स्मार्ट प्लस में आपको नहीं मिलेगा। फ्रंट फॉग लैंप मिल जाएंगे, कॉर्नरिंग लैंप्स मिल जाएंगे, 17.78 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि हार्मन पावर्ड होगा, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और सनरूफ का फीचर आपको एडवेंचर में मिलेगा। नेक्स्ट आता है एम्पावर्ड। एम्पावर्ड में आपको 16 इंचेस डायमंड कट अलॉय मिलेंगे, एयर प्यूरिफायर मिलेगा, AQI डिस्प्ले मिलेगा, ऑटो फोल्ड ORVMs मिलेंगे, डिजिटल कॉकपिट मिलेगा, 26 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि आपको 17 सेंटीमीटर का मिल रहा था एडवेंचर में यानी कि बड़ा मिलेगा, वही सेम नेक्सॉन में जैसे कि डोर वेरिएंट्स में आपको 10 इंचेस मिलता है और उसमें 12 इंचेस मिलता है, इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उतना ही आएगा। सनरूफ का ऑप्शन आपको इसमें भी मिलेगा, ड्यूल टोन बॉडी कलर से मिलना इस वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाएगा एम्पावर्ड से। अब आते हैं सबसे टॉप मॉडल में, हाई वेरिएंट में जिसे कहते हैं एम्पावर्ड प्लस। एम्पावर्ड प्लस में आपको लेदराइट सीट्स मिल जाएंगी, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मिलेगा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलेंगी। कमाल कर दिया यार, अब पंच जैसी गाड़ी में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलेगा। arcade.ev जो हमने नेक्सॉन ईवी में भी बताया था, सारी एप्स आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में मिलेंगी, सारी एप्स वो रहेंगी आपकी, आप नेटफ्लिक्स देखिए, आप गाने सुनिए सावन पे या फिर आप यूट्यूब देखना चाहते हैं तो सारी arcade.ev, इनफैक्ट की गेम्स भी हैं वो भी आप चार्जिंग के दौरान अगर आप गेम वेम खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, arcade.ev में आएगा। उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स और भी, वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन आपको मिलेगी, 26 सेंटीमीटर का डिजिटल कॉकपिट मिलेगा अलॉन्ग विद दी इंफोटेनमेंट सिस्टम यानी कि जो आपका MID है वो भी पूरी तरह से डिजिटल रहेगा। फास्ट चार्जिंग ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है आपको इस गाड़ी में, लेकिन हाँ जो लो रेंज वाली लेंगे उसमें आपको चार्जिंग ऑप्शन जो रहेगा वो 3.3 का होम चार्जिंग में रहेगा, 7.2 kW आप होम चार्जिंग ले सकते हैं, बट अगर आप DC चार्ज फास्ट चार्जिंग करना चाहते हैं तो दोनों LR और MR दोनों में अवेलेबल रहेगा। एक लास्टली जो टाटा ने बताया है इस गाड़ी में और इनफैक्ट आने वाली जितनी भी इस आर्किटेक्चर बेस्ड गाड़ियां जो रहेंगी उसमें ये रहेगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर अगर आप चार्जिंग करते हैं तो 10-15 मिनट की चार्जिंग में ही आपको 100 किलोमीटर की रेंज देखने को मिल जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हम जानते हैं कि टाटा की जितनी भी गाड़ियां हैं चाहे वो आइस व्हीकल्स हैं चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, सेफ्टी के ऊपर कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है यानी कि EVD, ESC, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, हिल होल्ड और ऑटो होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये सारे फीचर, हालांकि ये वेरियंट्स बेस्ड है, वेरियंट्स डिपेंडेंट है, लेकिन ये सारे फीचर्स आपको CV में भी मिलेंगे अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो। उसके अलावा आर्किटेक्चर जो इसकी चेसी की बात करें तो ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप 5-स्टार रेडी कार टाटा इसको बता रही है कि भैया हमारी जो चेसी है वो अभी से ही 5-स्टार रेडी है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। पहली वाली पंच भी जो थी वो 5-स्टार रेटेड गाड़ी थी ग्लोबल एनकैप में, अब भारत एनकैप भी आ गया है तो ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों में आपको 5-स्टार रेटिंग इसमें देखने को मिलेगी। मोर एक्टिव एंड पैसिव सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक्टिव फीचर्स सेफ्टी फीचर्स और पैसिव सेफ्टी फीचर्स पहले से कई गुना ज्यादा आपको इसमें देखने को मिलेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया था कि इसमें जो बूट स्पेस था उसके अलावा आपको फ्रंट में भी एक बूट स्पेस देखने को मिलेगा, वो फ्रंट बूट स्पेस को कहा जाता है फ्रंक यानी कि अब इस गाड़ी में आपको फ्रंट और बैक दोनों में डूब बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, बेटर लेग स्पेस मिलेगा, सीटिंग जो है वो सेकंड रो में ज्यादा बेटर रहेगी बिकॉज टनल नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया। अब अगर हम कॉकपिट इसके जो डैशबोर्ड की बात करें तो उसमें आपको 2-स्पोक स्टीयरिंग मिलेगा जो आपको नेक्सॉन ईवी में देखने को मिला था, नई वाली नेक्सॉन ईवी में 26 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, आर्केड ईवी और MID आपको डिजिटल कॉकपिट मिलेगा टॉप पे।
कंपनी में। अब आ जाते हैं इसकी बैटरी पावर, इसकी रेंज और इसके प्राइस के ऊपर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन सारी चीजों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो है कितनी बैटरी पावर के साथ आएगी। बैटरी अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 25 किलोवाट बैटरी LR में और MR में और 35 किलोवाट की आपको LR में देखने को मिलेगी, यानी कि 25 किलोवाट और 35 किलोवाट दो आपको बैटरी ऑप्शंस मिलेंगी। रेंज की अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना है कि 300 से लेकर 400 किलोमीटर की रेंज आपको इसमें देखने को मिलेगी। वो हम लॉन्ग रेंज की बात कर रहे हैं। अगर हम मीडियम रेंज की बात करें तो मीडियम रेंज में आपको इसमें 250 किलोमीटर के तकरीबन जो है वो टियागो से थोड़ी आसपास आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी। तो 250 के आसपास की जो ऑन ग्राउंड जो रिपोर्ट रहेगी वो 250 के आसपास रहेगी और 350 के आसपास की किलोमीटर की रेंज आपको लॉन्ग रेंज में देखने को मिलेगी, जो 35 किलोमीटर के आसपास की रहेगी। अब इसमें आते हैं प्राइस में। सबसे इंपॉर्टेंट भैया प्राइस जो है इसका बहुत जबरदस्त होने वाला है। 4 लाख रुपए का फर्क इसमें आपको ऑलमोस्ट रहेगा लोअर वेरियंट से हायर वेरियंट के बीच में। तकरीबन 10 लाख के आसपास शुरू हो जाएगी और टॉप वेरियंट 13.5-14 के आसपास आपका इसका लाई करेगा। अब जो लोग वो गाड़ी लेना चाहते थे, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते थे, नेक्सॉन ले नहीं पा रहे थे क्योंकि थोड़ी सी कॉस्टली है, वो 15.5 के आसपास स्टार्ट होती है, 20 लाख 30 लाख तक टॉप वेरियंट जाता है। इनफैक्ट कई स्टेट्स में उससे भी ज्यादा जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से स्टेट में रहते हैं, बिकॉज बहुत सारी स्टेट्स में टैक्सेस और GST वगैरह का इशू रहता है। कई स्टेट्स पे बिल्कुल भी जो है वो टैक्सेस नहीं है, रोड टैक्स वगैरह, और कई स्टेट्स में टैक्सेस पूरे हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस स्टेट में रहते हैं उससे आपको प्राइस में फर्क पड़ेगा। इसकी जो प्राइस आपको पड़ने वाली है वो तकरीबन 10 लाख के आसपास से लेकर, ऑन रोड बता रहा हूँ, 10 लाख से लेकर 14 लाख के आसपास रहेगी। हाँ, अब वो बंदे जो लेना चाहते थे टियागो ईवी और नेक्सॉन के बीच की गाड़ी, अब उनके लिए पंच वापस से इनको उनको एक ऑप्शन दे देगी, बिकॉज टियागो एक छोटी गाड़ी है। कुछ लोग सोचते हैं कि यार नहीं, टियागो हैचबैक है, लेंगे तो SUV लेंगे, नेक्सॉन ले नहीं पा रहे बिकॉज प्राइस ज्यादा है। तो ये कॉम्पैक्ट SUVs में आपकी एक और ऑप्शन आपको मिल गई है, जो है पंच ईवी। इसका इसमें आपको 10 लाख से 14 लाख के बीच में मिल जाएगी। ये बिल्कुल मैंने ये चीज बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब एक चीज मैं और बता देता हूँ कि इस गाड़ी का जो डायरेक्ट कंपटीशन रहने वाला है वो सिट्रोन की EC3 के साथ रहने वाला है, जो कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करता, बिकॉज E3 C3 में आपको उतने फीचर्स नहीं मिलते हैं जितने कि आपको पंच में मिल रहे हैं। और इवन की जो जितने भी वेरियंट्स आप उठा के देख लीजिए, जबरदस्त प्राइसिंग के साथ है। और टॉप वेरियंट अगर आप 14 लाख का भी लेते हैं तो उसमें आपके वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो E-Citroen में आपको कहीं से भी दूर दूर तक नहीं मिले। कोई कंपटीशन नहीं बनता। हालांकि हमने जो अपना वीडियो किया था वो हमने टियागो E-Citroen का किया था, उसमें हमने बताया भी था कि जब पंच आ जाएगी ईवी की तो उसका कंपटीशन पंच के साथ रहेगा, लेकिन फीचर्स देखते हुए, इसकी क्वालिटी देखते हुए, इसकी सारी चीजों को अगर हम तोले तो E-Citroen कहीं ना कहीं बहुत पीछे रहेगा। बाकी इस गाड़ी को आने दीजिए, बात करेंगे उसकी गाड़ी के बारे में जब वो गाड़ी हमारे पास आ जाएगी, हम इसको ड्राइव करेंगे, या इसके वॉक अराउंड वीडियोस के लिए हमें बुलाया जाएगा लॉन्च के टाइम पे, या फिर हमें मीडिया ड्राइव में बुलाया जाएगा, तो हम इस गाड़ी का जरूर आपके साथ रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे कि एक्चुअल में जो ऑन पेपर सारी चीजें निकल के आई है वो प्रैक्टिकली कितनी सही है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी टाटा ने जो है 80% ऑफ द मार्केट शेयर को एक्वायर किया हुआ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जबरदस्त काम कर रही है टाटा मोटर्स, और हमें पूरी तरह से यकीन है कि आने वाली गाड़ियां भी जो है वो उतना ही बढ़िया आउटपुट या रिजल्ट कंपनी के लिए लेके आएंगी, इनफैक्ट कंज्यूमर्स के लिए भी उतनी ही फायदेमंद साबित होंगी। तो ये था वीडियो punch.ev के ऊपर, जिसमें हमने मोस्ट ऑफ द फीचर्स कवर करने की कोशिश की है। जैसे ही हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके मीडिया ड्राइव्स भी आएंगे, इसका वॉक अराउंड वीडियोस भी आएंगे। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच सके। दूसरी चीज, अगर आप इस कार की बुकिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हमने बुकिंग का लिंक दे दिया है। सिर्फ 21,000 रुपए देके आप इस गाड़ी की बुकिंग आज से अभी से कर सकते हैं। तो ज्यादा लेट मत कीजिए। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी लेने की सोच रहे हैं और पंच ईवी का वेट कर रहे थे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया है punch.ev की, आप बुकिंग जाके कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।